الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله. दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आना नसीब हुआ। मुझे तो ख्याल भी नहीं था, ना काम रहता है कि ज़्यादा याद नहीं रहता, मगर अल्लाह का शुक्र है कि याद यहाँ ही करने वाले भी बहुत से लोग हैं। उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए आप गए ही नहीं वहाँ, तो मैंने भी सोचा वाकई नहीं गया, मुझे तैयार हो गया। ईश्वर जैन में एक बात आई, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तीन मजमून बकसरत बयान फरमाए, एक तौहीद, तौहीदी के बारे में सूरह है, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, तौहीद। दूसरी बात है रिसालत, रिसालत के बारे में पूरा कुरान भरा पड़ा है। और तीसरी चीज है आखिरत, उसको भी अल्लाह ताला ने बकसरत बयान फरमाया। हमारे उलमाए कराम आखिरत के बारे में बहुत बयान फरमाते थे। मौलाना सैयद अमीर साहब नसीराबादी, जिनके जद्दे अजद यहाँ भी आते थे, उनके मुतलिक हजरत बाबा मोहम्मद अहमद साहब फरमाते थे, यही सूरत दर्शन से कुबेर तो है, जुम्मा की नमाज मत पढ़ते पूरी सूरत, और असर के बाद तो उसी को बयान करते रहते थे, ऐसे ही बैठे थे इसे बजू मैंने कुछ वो गुरु हमारे यहाँ भी जाते थे। तो जिन लोगों से उनकी मुलाकात है अब भी उसके असर आते हैं, अभी जल्दी अब तो खत्म हो गए। कोई बात कोई कहता था चलो चलो हमने इतने बड़े मौलाना को देखा है, उनके सामने हजरत के बाद लोग मान देते, तो आखिरत और असल बात तुम्हारा ना आखिरत ही का है। ये वाद नसीहत आखिरत ही की याद दहानी के लिए, दुनिया की याद दहानी के लिए हर बच्चा हर लड़का लड़की औरत मर्द सब याद दिलाते हैं कि दुनियावी मामले में कोई घाटा ना होने पाए। औरत भी खुशी में रहती है, भाई बहन भी रहते हैं, जिन जिन लोगों से जिसका ताल्लुक है वही चाहते हैं कि आखिरत दुनिया का एक घाटा ना हो। आखरत के घाटे को बतलाने वाले या तो नबी होते हैं या उनके औलिया होते हैं या उनके वारिसीन होते हैं, वो मुतवज्जह करते ही रहते हैं आखरत। हमारे हजरत माशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ दिया था कि अपने देहात के लोगों को समझाते थे कि देखो मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया तुमको हासिल ना हो, मैं चाहता हूँ दुनिया में भी तुम कामयाब रहो, सिर्फ आखिरत नहीं दुनिया में भी कामयाबी चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया को यूँ रखो आखिरत ऊपर रखो। पूरे अपनी बिरादरी के लोग समझाती है, मैं नहीं कहता कि दुनिया छोड़ लो, लेकिन हुदूद के अंदर रखो, हद के अंदर, उसके अंदर जो दुनिया के हुकूक हैं उनको पूरा करो। तुमको अल्लाह ने दुनिया दिया है तो उसके अंदर हुकूक भी हैं, सबसे बड़ा हक तो ज़कात है, उसकी अदायगी तो बहुत ज़रूरी है। आज मुसलमान उससे भी इंतहाई गफलत में है। जो हमने मदरसा कायम किया बैतुल मारी, ज़ाहिर हम लोग मदरसा ज़कात करता है, तो कोई हमारे आदमी गए बहुत बड़े मालदार, आप तो जानते ही बहुत मालदार कह गए कि भाई कोई मदरसे चलता दीजिए,
कहाँ कैसा चलता, तो उससे तो इनकार गोया की किया ही, कहाँ ज़कात ही दे दिए, कहाँ ज़कात कहती है, ज़कात को जानते ही नहीं थे मालदार आदमी। जो मालदार आदमी ज़कात जारी करेंगे ज़कात देगा, कोई सवाल ही नहीं। माल के अंदर भी हुकूक है, ये हुकूक अगर नहीं अदा किए जाएंगे तो ये माल साफ बन करके आएगा। इल्म के बारे में भी आया, इल्म चूं बर्तन धनी मारे बुआ, इल्म चूं बर्तन धनी यारे बुआ, इल्म के बारे में भी मत, सब इल्म के बारे में है। इल्म का ताल्लुक सिर्फ इस माल धक्के से है, ये साफ बन करके इल्म आया। इल्म मौलाना रूम कह रहे हैं, इल्म तू बर्तन धनी मारे बोल, इल्म को जब तुम खाली बदन पर रखोगे, उनका अवल माजी सदबार उनके चाल, ये सांप बन के थे। उसके बारे में मशहूर है माल के बारे में, मैंने आपके सामने इल्म के बारे में पढ़ लिया, बहुत मशहूर शेर है ये, इल्म तू बर्तन धनी। मैंने इस शेर को मौलाना अब्दुल गनी साहब से सुना फिर पूरी, और उसे फांसी पहली शर्त पढ़ रहा था, और अलहमदिल्ला भी आ गया, उन्हीं लोगों ने पढ़ा सन 50-50 में। मैं आप ऐसे फूल फूली नाम सुना हुआ हकीम अख्तर साहब की पीर से नहीं माता जी का जल या कोलबा में लेते, मैं फांसी पहली है वही पहले ही पढ़ रहा था, मेडल पास करके गया था मऊ में, उनकी मजलिस होती थी माली में, तो वहाँ ये शेर सुना था, इल्म चू बर्तन धनी मारे भुवत, इल्म तू बर्दी तरी जा रही, इल्म का ताल्लुक सिर्फ तुम्हारे बदन से हो गया है, ये सांप बन कर के आया, और इल्म का ताल्लुक अगर दिल से हो गया तो ये यार हो जाएगा, यार क्या जोर अच्छा, यार और मार मार में सांप यार में दूर। जब इल्म को जो दिल में रखोगे, इल्म यक्षल्ला मिन इबादिहि उलमा, अल्लाह से कौन लोग ज़्यादा डरते हैं, उलमा डरते हैं। डरने का ताल्लुक किससे है, दिल से है, मालूम है जिस दिल में खौफ होगा खशियत होगा, ये इल्म का तकाजा है, इस खौफ से इस खशियत से अल्लाह के यहाँ तुमको निजात मिलेगी। इल्म तू बर्तन बर्तन धनी मारे बुआ, इल्म तू बर्तन धनी यारी, दिल में रखोगे इल्म को, उससे अपनी इसलाह करोगे, अल्लाह का खौफ और खशियत पैदा करोगे। इनमा यक्षल्लाह मिन इबादिहि, अल्लाह से कौन लोग डरते हैं, आलिम डरते हैं, जिसको इल्म ही नहीं होकर डरेगा क्या, आलिम जानता है कि अल्लाह की ज़ात वो है जिसे डरा जाए, अल्लाह का अज़ाब वो है जिसे डरा जाए, आखिरत में उसके सामने पेशी है उसे डरा जाए, एक जज के सामने खड़े होने से आदमी डरता है। हमारे खानका में एक तहसीलदार साहब आए हुए थे, तहसीलदार कभी यहाँ थे लेकिन रहने वाले से बस्ती से चले गए, एक आध महीना दो चार महीने के बाद आए, मालूम हुआ कि जज के यहाँ उनकी पेशी है, अपने बारे में नहीं किसी के बारे में पेशी थी, उनको गवाही दे रही थी। देखा खानकान में परेशान, मैंने कहा क्यों परेशान है, आप तो तहसीलदार हैं, हवे कोर्ट जाएंगे इतना क्यों डर रहे, क्या कहा मौलाना वो जगह ही ऐसी है कि आदमी डर जाए, पेशी जज के यहाँ ये मामूली चीज़ है, हर एक तहसीलदार थे, ये नहीं कि रिटायर कर गए बड़े आदमी, लेकिन कहते वो जगह ऐसी है कि आदमी काँप जाता है, खड़े होने से काँप जाता है। दोस्तों जब यहाँ की पेशी से और यहाँ की कचहरी से जब आदमी इतना डरता है तो वहाँ की कचहरी क्या है, इन बाद अल्लाह से उलमा ही डरते हैं क्योंकि उसकी हकीकत को जानते हैं। उलमा थानवी के एक खलीफा थे ख्वाजा साहब, वो बड़े शायर थे, ख्वाजा मजदूर कहा जाता है उनको, तो डिप्टी इंस्पेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर हुए थे लेकिन उसको छोड़ दिया उन्होंने, डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस वाले हो गए थे, तो गए तो तख्ता से आप और मास्टर कुछ लिख के समझा रहा था, तो उसका पुष्टि दर थी ख्वाजा साहब डिप्टी साहब इधर से पहुंचे, एक मैं कुछ देखा देखा डिप्टी साहब, मैं बेहोश हो गया, डिप्टी साहब की डर से बेहोश हो गया। इस बात को हजरत थानवी से उन्होंने जाकर कहा कि हजरत
मुझे बहुत ही इबरत और नसीहत हुई कि मुझको देख करके एक मदरिस एक मास्टर बेहोश हो गया। मुझे याद आ गया आखरत की कि आखरत में फिनिशिंग का क्या हाल होगा। जब एक डिप्टी कलेक्टर से डर करके आदमी बेहोश गिर सकता है तो हमारा शुमा का क्या हो लगा खुदा के सामने। मन खाफ मकाम वन नफ्स अनिल हवा फिन जन्नत है बाबा। वो अम्मा मन खाफ मकाम रबी अपने रब के सामने खड़े होने से जो डर गया करीब दायर हो जाओ। वो अम्मा है ना, अम्मा नहीं ना, वो अम्मा मन खाफ अमन है, वो अम्मा मन खाफ मकाम रबी वन नफ्स अनिल हवा फिन जन्नत है बाबा। जो खड़े होने से डरा कुछ करना नहीं है, डरो असल मालूम है कि खौफ को खशियत है सच, खौफ खशियत होगी तो अमल भी करेगा। अम्मा मन खाफ मकाम रबी वनह नफ्स अनिल हवा फिन जन्नत है बाबा। खड़े होने से डर जाना ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह के सामने खड़े होने के। हमारे बहुत बुजुर्ग मोल साहब डर के खड़े नहीं होते सकते सब। खुद हजरत बादशाह सुल्ला साहब ने देखा, मैं बगल में खड़ा था, मिसादन है ना कुफार के लिए मिसाद है उसमें अमपालन है, मिसाद अली तागिन है मिसाद अली तागिन है मिसाद अली इमाम है। जब इमाम ने ये पढ़ा चीख कर दी उसमें ये कि तागिन जो तुगयान करने वाले सर्कस जो हैं उनके लिए क्या घात की जगह है कि नहीं। मिसाद अली तागिन इमाम है ये आए जब इमाम ने पढ़ा मैं खड़ा था बगल में खड़ा था, इतनी जोर से चीख निकली मैं डर गया। मतलब खड़ा होना मामूली नहीं है अल्लाह के सामने खड़ा होना, इसका जितना इस्तेहज़ार होगा उतनी इस्लाह होगा। साहब आज जो इस्लाह नहीं हो रही है इन बातों की तो तवज्जो नहीं है, अगर इन बातों में तवज्जो हो जाए तो आज इस्लाह आसान हो जाए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे दी। वह मामन खाफ मकाम खशियत बारी बहुत बड़ी चीज़ है, इल्म से खशियत मिलती है। जिस इल्म से खशियत ना हो मैं समझ लो कि तुम्हारा इल्म रस्मी है उसका कोई दर्जा नहीं है। इल्म चू बर्तन धनी मारे बुअत, इल्म चू बर्तन धनी यारे बुअत। अल्लाह तो आखरत का बयान हमारे बुजुर्गों ने बहुत फरमाया है, बुनियादी चीज तौहीद रिसालत आखरत। हमारे मशायख आखरत का बयान करते ही रहते हैं, जन्नत का जिक्र दोज़ख व आखरती के दो शोबे हैं, जन्नत और दोज़ख आखरती के दो शोबे हैं। इस बिना पर दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह ताला हम सब लोगों को वहाँ की पेशी का ख्याल पैदा हमारे दिलों में पैदा करते हैं। पेशी बहुत बड़ी पेशी है, खासतौर से हम जैसे लोगों को जो उम्र के इंतहा को पहुँचे हुए हैं। हज़रत फुज़ैल इब्ने अय्याज़ ने फरमाया, बूढ़ों को खिताब किया, पहले जवानों को खिताब किया, क्या जवानों ये न समझो कि तुम जवानी तक पहुंचो बुढ़ापे तक पहुंचोगे, टिकुले लगे रहते हैं बोर आया रहता है आदि आदि सब खत्म, कितने जवान खत्म हो गए। जवानी के बाद बुढ़ापे तक जवानी नहीं तमाम कुछ है खत्म हो जाए तो दिन रात देखा जा रहा है। इस वजह से तुम जवानी में अपने को दुरुस्त कर लो, इसके मुंतजी न रहो कि बुढ़ापा आएगा तब एक दिन का कोई ठीक नहीं माना है। ये जो बीमारी आई है तो बहुत मैंने कहा मुझे मखसूस है कि पहले मौत का मुराकबा किया जाता है अब तो मौत का मुशाहदा किया जा रहा है। मुशाहदा बहुत बुजुर्ग लोग मुराकबा मुराकबा करते रहते थे, मौत का कोई करता था नहीं था जल्दी मौत का मुराकबा यही उसकी उसकी याद मुराकबा मैं याद है। मैंने कहा मौलाना से कि मौत का मुराकबा सूफी लोग कराते थे पहले, अब मौत का मुशाहदा कितने लोग खत्म हो गए। आप लोगों को तो है तालुदा वसी है, कितने लोग अपने खुलफा खत्म हो गए अल्लाह उससे उम्मीद थी कि वो काम करेगा हमारे बाद, कितने खत्म हो गए। इस वजह से मौत और खुदा के सामने खड़ा होना इस वह मामल खाफ मकाम रबी वन नफ्स अनिल हवा वह नजन्न भी है मामा।
अल्लाह ताला हम सब लोगों को खुदा के सामने खड़े होने का इस्तेहज़ार फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं है कि अना आरगू अक्सर, मैं सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ और सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ दोनों का। जो जितना जानेगा उतना ही डरेगा। डरना इल्म के हैसियत से, इल्म के बकदर होता है। इस वजह से खौफ खशियत बहुत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे, रोते थे, अजाब की आयतें आती थी, जहन्नम की आयतें, रोते थे। तरतील का मतलब ये लिखा हुआ कि आपकी तिलावत। हजरत आयशा ने फरमाया कि जब गम और खशियत वाली आयत आती थी तो रोते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब कोई अच्छी आयत जन्नत की तो उस पर शुक्र अदा करते थे, अल्लाह हमको ये दे दी। बराबर आखरत का ख्याल बहुत, ये तस्वूर बोला आखरत खैर हुआ, आखिरत खैर है और बाकी रहने वाली है। आखिरत में तुमको कामयाबी हुई, कामयाबी कोई छीन नहीं सकता, वो इलेक्शन वोट माता नहीं है, जाती है। जो मिल गई मिल गई, जो हिम्मत मिली मिल गई, अल्लाह ने दे दी। अल्लाह ताला खौफ और खशियत पर ये मर्तबा देते हैं और फिर कभी उससे कोई छीनते भी नहीं, दे दिया दे। वह मामन खाफ मकाम रबी वह नफ्स अनिल हवा को इन जन्नत है मावा, जन्नत मावा। वम्मा मंतगा यही है, वम्मा मंतगा व आसर हयात दुनिया दुनिया, तो भाई उसके लिए जहन्नम मावा है कि नहीं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को आखरत का इस्तेहज़ार बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे उलमा का काम यही है कि दारू गफलत में आखरत को याद दिलाया करें। इन मवाइज को ये नहीं समझे कि पुराना हो गया, कुरान पाक कुरान नहीं, कुरान को बार बार जाहिर है, कुरान का आखरत का बयान है। बल आखरत तो खैर हुआ, बल तू सिरू न हयात दुनिया, बल तू सिरू न हयात दुनिया, बल आखरत तो खैर हुआ अब का इन नफी सोफिर ऊला सोफ़ इब्राहिम मूसा। बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तौहीद का बयान किया, रिसालत का बयान किया, बदल गया आतम बयान किया, कोई कमी नहीं। उसी की तशरीह हदीसें कर रही हैं, मान चलिए मुजद्दात हैं, इसी तौहीद रिसालत की तशरीह है। और आखरत तरह तरह से उलमा ने बयान किया है। मन अकल तैयबन, मन अकल तैयबन व अमल फी सुन्नतिन व अमल नाज बेखो दखल जन्नत। आगे आखरत, जिसे हलाल खाना खाया, सुन्नत के मुताबिक अमल किया और अपने मुफीद चीज़ों से लोगों को बचाया, जन्नत दाखिल, जन्नत दाखिल। ओ बुदुर रहमान व आते मुताम अफसुस सलाम तत्खुलु जन्नत बेसलाम, जन्नत दाखिल हो जाओगे। कहते ए मनु बेतातिल्लाह, ए मनु बेतातिल्लाह, ये और किताबों में यह हदीस नहीं मिलेगी। ए मनु बेतातिल्लाह व तकू मासी अल्लाह व मरु औलाद को मेरे इम्तिसाल अवामिर व इज्तनाबिन नवाही ज़ाल का वक़ायत लहूँ व लकुम मिल्लाह। ए मनु बेतातिल्लाह, अल्लाह की ताअत पर अमल करो, बड़ी उमदा हदीस है। ए मनु बेतातिल्लाह व तकू मासी अल्लाह, व अल्लाह के मासी से बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचना हर शख्स को जरूरी है। ताआत को बजा लाना और मासी को बजा लाना दोनों बैर, ताआत का असर नहीं होने लगा। महावरा हुए साथ मिसाल जरूरी जैसी ये है, पंखा चल रहा है और नीचे अंगेठी रख दी जाए तो उस हवा का असर होगा। इसी तरीके ताआत के साथ मासी का होना बहुत ही बुरी है। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। सब लोग डरते हैं, नहीं देखिए खाली आपको गांधी तो और ज़्यादा डरते हैं माफी से। बहुत मशहूर जुमला है कि अहलुल्लाह कहते हैं बुद्ध गांधी कि सब लोग माफी से डरते हैं, हम लोग कुफ्र से डरते हैं। कब में कुफ्र हो जाए, शैतान बहका ले दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाह हमें नहीं असर के ईमान ला यर्तद्दु
वे यकीनन लैसे बाजु कुफ्र रहमतन अनार बिहा शर्प करामती फिर दुनिया बना कर कितनी उम्दा दुआ है दुनिया शर्फ कराम फिर दुनिया बना कर बहरहाल अल्लाह ए बड़ू बेताहत व तकू मासी वो मुरू औलाद को मिलते इंतजार अवामिर वही तेरा भी नवाही इतना भी नवाही से बचो इस बिना पर में दोस्त आखिरत का जिक्र होते ही रहना चाहिए। जितना आखिरत का जिक्र होगा इंशाअल्लाह रज़ी उतनी इस्लाह होगी। खौफ खुदा जब आएगा मासी का छोड़ना आसान हो जाएगा। खौफ खुदा आ जाएगा तो तलब भी पैदा होगी जन्नत में जाने की। जन्नत से जो नफरत होगी तो जन्नत का शौक पैदा होगा। आमाले सालिहा करने में आसानी पैदा हो जाएगी। गुनाहों को छोड़ना आसान हो जाएगा। इस बिना पर हमारे मशायख सबसे पहले कहते हैं गुनाहों को छोड़ो। आज भी मैंने देखा है देखा गुनाहों को छोड़ो। गुनाहों के छोड़ने से तुम खुदा के करीब हो गए। इताअत करो फरमाबरदार ए मनु ये हदीस है ए मनु इताअत अल्लाह बत्तकू मासी अल्लाह वो मुरु औलाद को मेरे इंतसार अवामिर व इस्तराबी नवाही ذلك وقال لهم ولكم ان لا جهنم سے جاؤ۔ خود بھی عمل کرو اپنے بچوں کو بھی عمل کراؤ خود گناہوں سے بچو بچوں کو گناہوں سے بچاؤ۔ اگر تم تربیت کرو گے بچوں کی تو ہوگی تربیت یہ نہیں ہوگا۔ شامی عالم نے ایک لکھا ہے ایک لڑکا تھا وہ چوری میں پکڑا گیا اور یہ حکومت کے ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کا۔ जब हाथ काटे जाने लगा तो अपने माँ को कोई बुरा बुरा कहने लगा। शामी मैंने किताब पर देते औलाद उसने लिखा हुआ जो उन्होंने कहा भाई ऐसी सूरत में तो माँ को याद करता है लड़का और उसको याद करके रोता है और तुम तो माँ को बुरा बुरा कह रहे हो इसकी क्या वजह है। कहा मैं बचपन में पड़ोसन के यहाँ से अंडा चोरी करके ले आ रहा था तो मेरी माँ बुलबुल की तरह चाहती थी कि वार मेरे बच्चे तुमने चोरी कर लिया और चोरी में तुम कामयाब हो गए। अगर माँ मेरी उसी वक्त उसको रोक देती तो आज मेरा बता रही है। इस्लाह तरबियत माँ बाप की जिम्मेदारी है। बुराइयों से उसको नफरत दिलाना ताआत तेरा रगबत दिलाना ये माँ के ऊपर आदत है। माँ बाप ने तरबियत से बेहतर कोई चीज नहीं छोड़ी अपनी औलाद के लिए। जिसने माँ बाप ने तरबियत छोड़ी अदब इस्लामी छोड़ा अदब ईमानी छोड़ा तो सबसे बड़ी नेमत ये है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। मुझसे इसमें कोताही हो रही है तभी ना उमूमन कोताही हो रही है। अल्लाह ताला भाई ये सारा बयान है लेकिन कुल मदार इसी पर है। दीन की इस्लाह सब इसी पर है। बहुत से लोग हैं बहुत बार बार काम कर रहे हैं लेकिन बच्चों की तरह से बिल्कुल गाफिल जाते हैं। कोई दहिया हो जाता है कोई कमीश हो जाता है कोई कुछ हो जाता है अपनी तरबियत का। बल आखिरत को पेश नजर रखना बल आखिरत मुझे बहुत याद है बल आखिरत तो खैर होगा आपका। आखिरत खैर है बाकी आखिरत में जो कुछ पाओगे वो खैर होगा बाकी होगा। बल बाकी आ तो सालिहात खैर रब के स्वभाव हो व खैर अमल है और बाकी आते सालिहात कौन ही सुबह अलहमदिल्ला यही सब चीज़ें हैं और बाकी आते सालिहात खैर रब का तुम्हारे रब के नदी बेहतर चीज यही है। ये सब माल दौलत रब के नदी तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है तुम्हारे रब के यहाँ बेहतर यही बाकी आते सालिहात सुबह अलहमदिल्ला भी बाकी आते सालिहात ये पूरा दीन है पूरा कुरान है। और बाकी आते सालिहात खैर रब के स्वाब हो व खैर अमल इसी से उम्मीद रखो। कोई उम्मीद रखने लगे दुनिया में किसी से उम्मीद न रखो। हाँ कुछ अगर अमल किया उसी से उम्मीद रखो कि वहाँ तुम्हारी निजात होगी। बराबर बाकी आते सालिहात खैर इंद रब का सवाब व खैर अमल उम्मीद के लायक यही है। कोई दुनिया पर किसी पर उम्मीद रखो। इब्ने जौदी ने इतिहास लिखा कि किसी पर न रखो अपने बीवी बच्चों पर उम्मीद न रखो उम्मीद अल्लाह से रखो वही बाकी है। और ये भी लिखा हो इब्ने जौदी ने है कि उम्मीद न रखो हाँ एक सूरत में उम्मीद रख सकते हो अगर तुम्हारा कोई दीनी भाई है तो उस पर किसी दर्जे में तुम उम्मीद रख सकते हो लेकिन वो भी चाहे नायाब है। इब्ने जौदी अपने जमाने कहा लिख रहे हैं किसी पर उम्मीद नहीं है
खैर की उम्मीद नहीं। हाँ, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, लेकिन उन पर भी कामिल इत्मान नहीं रखते इस बारे में। इस बना पर अल्लाह मुकाबले में अल्लाह तआला फरमा रहे हैं, हमारे साथ जो मुतालिक हो गई तो उसमें कोई धोखा नहीं होगा, हमसे उम्मीद रखते हो। वल आखिर तो खैर आपका ये वल बाकियात सालिहात खैर रब का सवाब हो व खैर अमला, उम्मीद के लायक वही चीज है और कोई उम्मीद नहीं। दोस्ती क्या है साहब, सारा साल की दोस्ती खत्म हो जाती है, जितना एतमाद हो खत्म हो जाता है। इस वजह से अल्लाह ही पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह ये चीज यहाँ भी कारामत होगी और वहां भी कारामत होगी। दुआ कीजिए हम सब लोगों को इसकी तौफीक हो। कुल इस्लाह का तरीका यही यही माकद है, यही मावा है, यही सब कुछ है। अगर आखरत का ख्याल होगा, मैं तो नहीं कह सकता तौहीद का ख्याल नहीं, सब है ये ठीक ही है, लेकिन आज जो गफलत है आखरत से गफलत है। आता है माँ मोहम्मद अमर साहब, मैंने सुना है कि आखिरी जमाने में सबसे पहली चीज ये होगी क़यामत के करीब कि आखरत पर यकीन हट जाएगा, ज़ईफ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आखरत पर यकीन कमजोर हो जाएगा। तौहीद रिसाले के बारे में नहीं आया, मैंने खुद सुना माँ मोहम्मद अमर साहब से, रवायत देख भी हुआ कहीं, कि सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आखरत से यकीन जो होना चाहिए उसे ज़ोफ पैदा हो जाएगा। जब आखरत में ज़ोफ होगा तो अमल के जजा और सजा में भी ज़ोफ पैदा हो जाएगा, वो अकीदा खत्म हो जाएगा। जब अकीदा खत्म हो गया फिर उसके बाद जो चाहे करे आदमी खराबी कर जाएगा। इस जगह पर इतनी बस करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, मैं उससे बिल्कुल बड़ी नहीं हूँ। मेरे दिल में ये मजमून था तो आप सामने बयान कर दिया, खुद अपने को भी मैं मुखातब भी करता रहता हूँ, बल्कि मुत्तहम भी करता रहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी सही मानों में फिर आखिर पैदा फरमा दे। फरमाते थे हमारे हजरत, पूरा एक नसारा है, कहा खौफ आखिर पैदा करो, खौफ आखिर की मिसाल मूसा इस्लाम की छड़ी है। खौफ आखिर की मिसाल दिया मूसा छड़ी कि जादूगरों के कहते करते वो को निकल गया, वो मूसा इस्लाम की छड़ी ऐसा। इसी तरह खौफ आखिर होगा तो दुनिया की जितनी ये चीज़ें हैं वो सब ये खौफ आखिर ज़ाहिर कर दे, ख़त्म कर देगा, वो गालिब आ जाएगा। इस बार आपका खौफ आखरत का गलबा अपने ऊपर लाजिम ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह हयात दुनिया बल आखरत खैर इन हादसा सोहफ इब्राहिम अल्लाह ताला हम सब लोगों को आखरत की फिक्र पैदा फरमाए, आखरत का इस्तेहार फैलाएं, अल्लाह के सामने पेशी का ख्याल करें, उस बात को जमाएं ताकि उसके मुताबिक आमारे जन्नत साजिर हो और आमारे दोजख से हमको नफरत पैदा हो, जन्नत का शौक पैदा हो और दोजख से खौफ पैदा हो, ताकि बुराइयों से बच सकें, बदआमालियों से बच सकें, बद अखलाकियों से बच सकें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। आफदा तशरीफ लाए कहा, यह भी बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने आफदा के अंदर तलब पैदा किया है,